11 सितंबर यानी शनिवार को होने वाला जयपुर बंद स्थगित हो गया है। सरकार की ओर से ट्रेड लाइसेंस स्थगित करने के आदेश जारी होने के बाद व्यापारियों ने भी अपना जयपुर बंद स्थगित कर दिया है। आदेशों के स्थगन के बाद होटल हवेली में व्यापारियों की एक बैठक हुई। आंदोलन में शामिल सभी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। इसमें नगर निगम ग्रेटर की महापौर शील धाबाई और उप महापौर पुनीत कर्णावत भी पहुंचे। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने ट्रेड लाइसेंस को स्थगित करने के आदेश जारी किए। नंदी के स्थगन आदेशों से यह तय हो गया कि राज्य सरकार की सहमति से ही ट्रेड लाइसेंस लगाया गया था। पहले सरकार के प्रतिनिधि इसे नगर निगम के अधिकार क्षेत्र का मामला बता रहे थे और नगर निगम के प्रतिनिधि इसे सरकार के आदेश का परिणाम। अब व्यापारियों का भी कहना है कि उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया है, निरस्त नहीं। हमने कमिश्नर बुला दिए, डिप्टी मेयर भी थे। हमने कहा कि जब तक ये, क्योंकि ये कानून बन चुका है, ये प्रक्रिया के तहत ही रिमूव होगा। और मेरी बातचीत भी हुई थी शांति धारीवाल जी से भी हुई थी, तो हमने कहा जब तक कमिश्नर को कह दिया है कि बिल्कुल स्थगित कर दिया है, आगे फर्दर जैसे भी जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद में कोशिश ये की जाएगी कि पूर्ण रूप से ये निरस्त हो जाए, जयपुर बंद को समाप्त करने की घोषणा करते। लेकिन आज हमने सर्वसम्मति से इस संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि हम अपनी कल बंद को स्थगित कर रहे हैं, और अगर आगे सरकार फिर भी किसी तरह का टैक्स लाने की कोशिश करेगी तो हम पुनः इसी तरह से बंद और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में लगे रहेंगे कि किसी भी स्थिति में ऐसा कानून जो छोटे से छोटे व्यापारी को भी एक मुश्किल में डालने का काम कर रहा है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। आज हमें इस बात की खुशी है कि जो व्यापारियों की एकता है हमने स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन अभी भी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये कानून बन चुका है, ये कानून को स्थगित किया है। और जब आप स्थगन का पत्र पढ़ेंगे, स्थगन का आदेश पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी लिखा है कि इसको कोरोना की को देखते हुए स्थगित किया गया है। हमने आश्वासन दिया, सबने कहा हम इस कानून के विरोध में। आज हम नगर निगम के अधिकारियों से, नगर निगम के महापौर महापौर से मिले, उन्होंने भी ये बोला हम इसके विरोध में, और उस बिहाफ पे चलते हुए दोनों ने आपस में बातचीत करते हुए इसे स्थगन किया है, क्योंकि ये कानून बन गया और कानून को निरस्त कराने की एक प्रक्रिया होती है। उसके लिए जैसे अभी महापौर जी ने कहा, इसको स्थगन कराने की हम प्रक्रिया 100% शुरू करेंगे। जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो ये स्थगन भी होगा, स्थगन क्या निरस्त होगा, सॉरी निरस्त भी होगा। तो इसलिए हम, हमारा जो बंद है, हम सभी व्यापार मंडल जितने भी यहाँ आज मौजूद है संघर्ष समिति में, इसको देखते हुए हमने बंद को वापस लिया है